हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट के बारे में, जिसको आप लोग खाते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो फ्रूट का नाम है पपाया, पपीता। पपीता आप कच्चे फॉर्म में भी खाते हैं, पपीते की सब्जी बना के खाते हैं या अदर कोई डिश बना के खाते हैं, और पपीता को पके फॉर्म में भी खाते हैं। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है, आपके बॉडी में जितने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। पपाया अगर आप डेली खाते हैं तो आपके हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या बेनिफिट आएगा? तो पहला है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज। आपको हार्ट से रिलेटेड होने वाली बीमारियों से बचाता है, होने नहीं देता है पपाया, क्योंकि पपीता में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई प्रेजेंट होता है। साथ में हाई फाइबर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इसमें एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होता है, जो कि आपके ऑक्सीडेशन होने से हेल्प करता है, बचाता है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। क्योंकि जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, कई वाले बहुत सारे हार्ट वाले पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो जो एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है पपाया में, वो कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, मतलब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन हो गया तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, हार्ट की जो नसें हैं, दिल की जो धड़कने की जो नसें हैं, उनमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है ऑक्सीडेशन होने के बाद में। साथ ही साथ ये हीमोसिस्टीन नाम का जो हार्मफुल एंजाइम है, अमाइनो एसिड है, उसको कन्वर्ट करके लेस हार्मफुल अमाइनो एसिड में चेंज करता है। क्योंकि जो हीमोसिस्टीन है आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, और हीमोसिस्टीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मीट खाने वाले लोगों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मीट में हीमोसिस्टीन की मात्रा भरी रहती है। तो इस तरीके से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये दूर करता है और हार्ट को फ्रीडम फ्रॉम वेरियस डिजीज रखता है ये। नेक्स्ट है आपका जो पपीता है, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो पपीता है उसमें दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पपेन और काइमोप्रोपेन। ये दोनों जो होते हैं आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, आप जो भी खाते हैं प्रोटीन के फॉर्म में उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, पचाने में। साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है ये पपीता, और साथ में आपके शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है, सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन सबको दूर करने में हेल्प करता है। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन होता है पेन का, तो इन सबको दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसकी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है और आपको हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ इस तरीके से इम्प्रूव करता है कि पपीता में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी जो है आपके किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबियल कंपाउंड से लड़ने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि आपके शरीर में जो विटामिन सी होता है वो आपकी इम्यूनिटी को इनक्रीज करता है, बूस्ट करता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप कभी भी कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी हो गया, बुखार हो गया, इन सबसे फाइट करने में आपके बॉडी को अंदर से इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है कि आप पर्टिकुलर बीमारी से, पर्टिकुलर डिजीज से फाइट कर सकें, आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है। प्रोस्टेट कैंसर स्पेशली पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्रंथ होता है वो भी आपके पुरुषों में ही पाए जाते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीज़ों को भी लड़ने में हेल्प करता है पपीता खाने से। क्योंकि जितने भी जो रेड और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें लाइकोपीन नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये लाइकोपीन जो होते हैं वो आपके प्रोस्टेट कैंसर या जो भी कैंसर सेल है उससे लड़ने में हेल्प करता है और आपको फ्री ऑफ कैंसर रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्किन और स्किन के हीलिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आपको कभी चोट लग गई या वुंड लग गई, आपको जो इन्फेक्शन हो गया स्किन में, तो आप जो मैश्ड पपीता है, मतलब जो पपीता को मैश कर लेंगे, मैश करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में आपको लगाना है, लगाने के बाद आपका जो घाव है वो अपने आप भरने लग जाएगा, क्योंकि पपीता में जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो वुंड हीलिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो आपके
घावों को, चोटों को भराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पपीता खाना, क्योंकि इसमें विटामिन ए जो प्रेजेंट होता है, विटामिन ए अगर आपके शरीर में कंज्यूम मात्रा में जाता है, प्रॉपर मात्रा में जाता है, तो वो सीबम प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हेयर के लिए जो सीबम प्रोड्यूस होता है वो हेयर के टेक्सचर को मॉइस्चर रखने में हेल्प करता है और हेयर के इम्पोर्टेंट ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी जो प्रेजेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो आपके बॉडी में कोलेजन को इम्प्रूव करता है, बनाता है, कोलेजन जो कंपाउंड होता है प्रोटीन, उसको बनाने में, उसको बिल्ड करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अस्थमा को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है और साथ में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। जो कैरोटीन है वो आपके विटामिन ए का प्रीकर्सर है, जो कि आपके फाइट करता है आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जितने भी सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी, उससे हेल्प करता है बचने में और उससे फाइट करने में पूरा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, मैकुलर एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन आपका आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज होता है आपकी आई के जो पिपल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, आई साइट रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है। तो जो पपाया में विटामिन ए प्रेजेंट होता है वो आपके आई के साइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और साथ में पपाया में जिया जेंथाइन नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जियाजेंथाइन नाम का जो कंपाउंड है वो किसी भी ब्लू लाइट्स को आई में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने नहीं देता, क्योंकि आई में अगर ब्लू लाइट्स एंटर होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हमने देखा पपाया खाने के कितने बेनिफिट्स होते हैं और आप इसको डेली खा सकते हैं और आपके शरीर में कितने फायदे प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।